हेलो माय फ्रेंड, तो चलिए आज बात करते हैं अंटार्कटिका के एक ब्लड फॉल के बारे में। ब्लड फॉल मतलब खून का झरना, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। खून के झरने का मतलब क्या है? यहाँ पे लाल कलर का झरना बहता है और वो हमेशा बहता ही रहता है। जब साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी तो उस टाइम उसका टेम्परेचर वहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस था, फिर ये झरना बह कैसे रहा था? इसे तो जम जाना चाहिए, सही बात है ना? यस, इसे जम जाना चाहिए, लेकिन इसकी कुछ वजह है जिसके कारण ये झरना हमेशा बहता रहता है। चलिए हम आज आपको समझाते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये झरने के नीचे जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है। किसी भी वाटर में जब इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाता है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद मेल्ट होगा अगर टेम्परेचर घटता ही गया। फिर इसलिए वो झरना हमेशा बहता रहता है। अब दूसरी बात आती है कि उसे ब्लड फॉल क्यों कहते हैं। ब्लड फॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर रेड वाटर आता है। रेड वाटर आता कहाँ से? रेड वाटर आता है वहाँ के जो रॉक है उसमें आयरन प्रेजेंट है, और वो आयरन जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं और जब उससे वाटर फॉल होता है तो उसका कलर रेड चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी लोहे को जब जंग पकड़ता है और वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो रेड कलर की उसकी जंग निकलती है। खून का झरना कहते हैं। तो डरिए मत, वहाँ खून नहीं बहता। सही मस्त नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।